Feel alive, trust me, baby. Close your eyes, let me help you. हेलो फ्रेंड्स, सर्किट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है प्रेस आयरन के ऊपर, तो मैं इस प्रेस आयरन को रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। मैं भी इस आयरन को पहली बार रिपेयरिंग कर रहा हूं, तो चलिए इस आयरन को किस तरीके से रिपेयरिंग करते हैं देख लेते हैं पहली बार में। तो इस आयरन को नॉर्मली खोल लेना है, बाकी चेक वो करने तो मैं दिखा दूँगा। चेक करने तो हमेशा उसी तरह से करना है जिस तरीके से कि सीरियल लैंप के लैंप से किया जाता पंखा को टेस्ट। तो दो पॉइंट में लगा के मैं इसको भी टेस्ट कर लूँगा। तो खोलने से पहले आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आयरन को भी खोलिएगा। पहले तो मैं इस थ्री पॉइंट को दिखा रहा हूँ, इस थ्री पॉइंट को मैं चेक कर लूँगा ग्राउंड को छोड़ के कि दो पॉइंट में हमारा जो यहाँ पर लाइन पहुँच रहा है कि नहीं। लाइन पहुँच रहा इस आयरन में जो प्रॉब्लम थी कि लाइन पहुंच रहा बट हीट नहीं हो रहा, तो मैं इसी को प्रॉब्लम को सही करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, लगभग मैंने खोल लिया हूं और इसी प्रॉब्लम को आपको मैं चेक करके और बना के दिखाऊंगा। तो मैं भी इसको पहली बार खोल रहा हूं, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारा जो मिस्टेक, जो मैं इसमें क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उस तरीके से आप करते जाइए। देखिए, मैं दो पॉइंट को लगा कर चेक किया तो हमारा जो इंडिकेटर लाइट जल रहा, बट स्विच ऑन है इसका भी और इंडिकेटर लाइट जल रहा और हीट होने वाला जो कोयल है उसके पास भी पावर जा रहा है और हीट नहीं हो रहा। तो चलिए, मैं कोयल को ही चेक कर लेता हूँ। तो इस दो पॉइंट है कोयल का, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ। इसको चेक करने के लिए आपको सिरिस्ट लैंप की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे मैं आपको चेक कर रहा हूँ। इसके मैं वीडियो बनाया हुआ, इसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट 220 एसी वोल्ट से मैं देखे चेक कर रहा हूँ। तो चलिए, ये न्यू कोयल लेकर आया हूँ और इसी कोयल को मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। तो चलिए, पहले कोयल को नाप कर लेता हूँ कि ये कोयल जो मैं लेकर आया हूँ सही है या गलत। तो इस कोयल को मैं लेकर आया हूँ, देख लगभग तो सही लग रहा है। अब मैं पैकेट को तभी मैं खोलूँगा, अगर गलती से पैकेट खुल जाती है और गलत रहती तो आपको रिटर्निंग नहीं होगी। तो एक कोयल पे डिपेंड करती है और दुकानदार पे डिपेंड करती है रिटर्निंग का। तो चलिए, मैं इस कोयल को खोल लिया हूँ और इस कोयल को मैं आप चेक करके दिखाता हूँ। तो इस कोयल को भी मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा हीट हो रही है। देखिए, स्पार्क कर रहा है, मतलब कि लाइनिंग ले रही है तब ये हीट होगी। तो देखिए, मैं इसको चेक किया तो ये हमारा हीट हो रहा था, मैं पकड़ा हूँ तो हमारा ये हीट हो रहा था। इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, तो कोयल हमारा चेक हो गया। अब इस कोयल को मैं निकालूँगा और इस कोयल को मैं आपको लगा कर दिखाऊँगा। बट इसमें कुछ गलत ट्रिक मैंने उपयोग किया हूँ, तो सही ट्रिक क्या है वो मैं बता दूँगा। तो चलिए, इजीली सही ट्रिक से आप खोलिएगा। ये जो कोयल लगा हुआ दो साइड से दबा हुआ जो है, वो दोनों को साइड साइड से बाहर की ओर फैलाना है बारी बारी से। जब ये बारी बारी से सारे चीज़ फैल जाएंगे तो ये इजीली कोयल निकल जाएगा। तो मैंने कुछ गलत ट्रिक अपनाया था, जिसके कारण कुछ कुछ ट्रिक टूट गया था और कोयल भी अच्छे तरीके से निकाल नहीं पाया था। तो इस दोनों को फैला दीजिएगा लगातार सीरियल वाइज को ड्राइवर या किसी की सहायता से, तो आपका जो कोयल है खुल जाएगी आसान तरीके से। जिस तरीके से मैं अभी ठोक के कर रहा था, तो मैं अंदर तरफ कर रहा था, लेकिन उसको बाहर की ओर करना आपको, ताकि आपका जो ट्रिक है वो बाहर की ओर फैल जाए। फैलने के बाद उसके बाद आपका कोयल आसानी तरीके से निकल जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को बताने के लिए मैं इस वीडियो में बनाया, ताकि आप गलती ना करें। तो देखिए, ये मेरा गलत ट्रिक था जो कि मैं बता रहा था वीडियो को पहले में। तो ये मैं आपको इसी तरीके से बाहर की ओर फैलाना है, अंदर की ओर मैं कर रहा हूँ लेकिन बाहर की ओर आपको फैलाना है वीडियो को सही से देख के। और इसको बाहर कर फैला देंगे तो हमारा जो है ये निकल जाएगा बहुत ही आसानी।
तरीके से मैं भी इसी तरीके से करके मैं निकाला हूँ बाद में, बट उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया हूँ। ये तो आपको ज़रूर दिखाता कि हमारा कोयल निकल गया, तो मैं बाहर की ओर फैलाया हूँ, सब बाहर की ओर फैला हुआ। मैं इस कोयल को धीरे धीरे से लगा लेनी है, जाने लगेगी वहाँ फिर से फैलाने। अब धीरे धीरे से थोड़ा सा आप किसी लकड़ी की सहायता से इसको ठोक के लगा सकते हैं, तो ये लकड़ी की सहायता से ठोकिएगा तो ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो हमने तो हथौड़ा का उपयोग किया, बट इसके अंदर एक कोयल रहती है, कोयल शॉर्ट ना हो, तो उसी तरीके से आपको बहुत ही आसानी से ठोकना है। तो देखिए मैं लगभग हमारा जो इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इस कोयल को लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो कैसे लगा लाइक एंड कमेंट, एंड कुछ गलती जो हमारे इस वीडियो में है तो वो भी कमेंट कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँ तो इससे कई गुना अच्छा बनाने का कोशिश करूँ और इसको कुछ नए टिप्स देने का मैं कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था कि मैं इसके कोयल चेक करना और इसको लगाना ही हमें बताना था। मेन इसमें कोयल ही है और एक छोटा सा स्विच है, तो जो स्विच है वो नॉर्मली अब हर कोई लगा ही लेता है, बट उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब हमारे दुकान खुला जाए, तो सर्विस में जब कोई भी परेशानी ना आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो शूट करके रखूंगा और मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो हमारे यहाँ इस शॉप में बनाने के लिए दिया गया था, तो मैं उसी को बना रहा था और उसी का मैं वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ पहली बार। तो ये पहली वीडियो थी इसके ऊपर में, और इसको मैं पहली बार ही रिपेयरिंग कर रहा हूँ। तो अगर पहली बार आप करते हैं तो छोटे मोटे गलतियाँ आपकी होगी, बट कितना भी आप जानकार हो उसके बाद भी आप छोटे मोटे गलतियाँ होगी आपके हाथों से। तो ध्यान में रखते हुए कि उसकी जो है प्रोसेस क्या है, किस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान से खोलेंगे तो कोई भी गलती होने का चांस कम है। बट नीच नई सामान में कुछ न कुछ की गलतियां हो जाएगी, कितने भी सावधानी पूर्वक आप करेंगे। तो ये चीज़ हुई थी मेरा इस परेशान में, तो और कोई दिक्कत नहीं है इस आयरन में। तो चलिए इस आयरन को मैं लगा देता हूँ और इसको फुल्ली मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ फटाफट सारे नट। इसकी कभी कभी होती है कि मैं आप लोग किए नहीं होंगे तो बात अलग है, जब मैं इसको किया हूँ एक दो का आयरन खोला हूँ तो इसकी जो है नट कभी खुलती नहीं है, कुछ अलग अलग टाइप का नट लगा रहते हैं। तो इसके लिए स्क्रू ड्राइवर भी आपके पास होना चाहिए इस तरह का। तो ये नट इतनी टाइट हो जाती है कभी कभी कि ये आयरन प्रेस आयरन के जो नट स्क्रू जो लगा हुआ है वो खुलती नहीं है, बहुत ही हार्ड हो जाती है। अच्छा, तो जिस टाइम वो नट नहीं खुलती तो उसके ऊपर भी अगर होगी तो कोशिश मैं करूँगा कि वो नट कैसे खुले, तो उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा हो चुका है चेक, और मैं इसको चेक करने के बाद मैं पूरी तरीके से इसको लगा देता हूँ। तो हमारे लोगों के पास आई का बटन आ रहा है, वहाँ आई का बटन क्लिक करके इससे ही रिलेटेड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिकल का ही और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का ही वीडियो आप देख सकते हैं। तो लगभग लोग ही आई बटन को क्लिक करते होंगे, ये हमको भी पता है, पर जिसको जानकारी पाना है तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, हम हमारे चैनल में जाकर वीडियो लाइब्रेरी में जाके कुछ अलग टाइप का वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा न्यू चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्सक्राइबर अभी बहुत ही कम है और हमारा वीडियो पे व्यू भी बहुत ही कम है। तो प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं आप, हम आप पे जोर नहीं देंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा तभी आप सपोर्ट करें। तो चलिए ये हमारा आयरन टेस्ट हो गया, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसे ही कुछ जानकार वीडियो के साथ। तो ऐसे ही रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जो हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले देख पाएँ और हमें मोटिवेशन मिलते रहे, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर पर ही भरोसा रहता है कि हम कितना वीडियो बना पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।